गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कीर्ति परोहा कक्षा 12वीं की जीव विज्ञान की क्लास में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। और बच्चों, आज हम आपके यूनिट 2 के अंतर्गत लिंग सहलग्नता से संबंधित हीमोफीलिया बीमारी जो है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। पहले हम इसका थोड़ा सा डिटेल अकाउंट समझेंगे। हीमोफीलिया एक ऐसा लिंग सहलग्न गुण है जो आनुवांशिक बीमारी के रूप में पाया जाता है। यह सभी लिंग सहलग्न बीमारियों में सबसे खतरनाक बीमारी है। इस बीमारी से युक्त व्यक्ति के रुधिर में बहुत देर से थक्का बनता है। एक सामान्य व्यक्ति में रुधिर वाहिनी कटने के 2 से 8 मिनट बाद थक्का बन जाता है, जबकि इस बीमारी वाले मनुष्य के रक्त का थक्का बनने में आधे घंटे से 24 घंटे तक लग जाता है। इस स्थिति में मनुष्य की थोड़ी सी चोट भी खतरे का कारण बन सकती है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। इस बीमारी का अब तक कोई भी दवा ज्ञात नहीं हो सकी है। केवल रक्त आधान अर्थात ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इस बीमारी का इलाज है। हीमोफीलिया को ब्लीडर्स डिसीज या ब्लीडर्स रोग के नाम से भी जानते हैं। अब तक 2 प्रकार की हीमोफीलिया का पता लग चुका है। हीमोफीलिया एक ऐसी लिंग सहलग्न गुण है जो आनुवांशिक बीमारी के रूप में होता है और ये सबसे ज्यादा खतरनाक बीमारी है। क्यों? क्योंकि नॉर्मल यदि आपको चोट लगती है और आपके शरीर से रक्त बहता है तो 2 से 8 मिनट में ही क्या रक्त का थक्का ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है वहां पर। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इस रोग से ग्रसित है तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए 1/2 आवर से लेकर के 24 आवर्स तक लग जाता है, जो कि खतरनाक है। क्योंकि यदि ब्लड क्लॉटिंग नहीं हुई तो आपके शरीर का सारा रक्त बह जाएगा और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसकी अभी तक कोई मेडिसिन नहीं बनी है। सिर्फ क्या होता है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन ही इस बीमारी का इलाज होता है। इस बीमारी को दूसरे नाम से भी जाना जाता है जिसको कहते हैं ब्लीडर्स रोग। हीमोफीलिया जो है वो 2 प्रकार से इसका पता चला है। पहला है हीमोफीलिया ए, जो एंटी हीमोफिलिक ग्लोब्यूलिन की कमी से होता है, और दूसरा होता है हीमोफीलिया बी, जो होता है प्लाज्मा में थ्रोम्बोप्लास्टिन की कमी के कारण होता है। अब हम यहाँ ध्यान दो बच्चों, हीमोफीलिया पैदा करने वाला जीन जो होता है वो एक्स गुणसूत्र पर अप्रभावी रूप में पाया जाता है। प्रभावी जो है वो लिंग गुणसूत्र के दूसरे गुणसूत्र पर पाया जाता है। अध्ययन की सुविधा के लिए जीन्स को एच तथा कैपिटल एच से व्यक्त करते हैं। स्त्रियों में हीमोफीलिया का अप्रभावी जीन दोनों गुणसूत्रों में पाया जाता है, तब ये हीमोफिलिक होंगे। यदि अर्थात यदि स्त्रियों में एक ही गुणसूत्र पर पाया जाएगा तो वो हीमोफिलिक नहीं होंगी, सिर्फ कैरियर होंगी। लेकिन यदि पुरुष में तो एक ही एक्स लिंग गुणसूत्र होता है, तो उसमें अगर पाया जाएगा तो पुरुष हमेशा हीमोफिलिक से ग्रसित हो जाते हैं, वो कभी वाहक नहीं होते। इसकी एक सिचुएशन हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि यदि मान लीजिए स्त्री कैसी है, वाहक है, कैरियर है, तो इसका एक एक्स क्रोमोसोम जो है लिंग गुणसूत्र वो कैसा है, नॉर्मल है, और दूसरे पर एच हीमोफिलिक वाहक के रूप में मौजूद है। अब अगर इसकी क्रॉस सामान्य पुरुष से होती है तो इसका पुरुष में क्या है, लिंग गुणसूत्र में एक एक्स और एक वाई होता है। यहाँ पर इसके एक्स गुणसूत्र पर कोई भी हीमोफिलिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है। अब जब इनके गैमिट बने तो वाहक स्त्री के गैमिट बने नॉर्मल एक्स और एक्स एच, सामान्य पुरुष के गैमेट बने तो कैसे बने, एक नॉर्मल एक्स और एक वाई बना, ये युग्मक बने। जब इनके क्रॉसिंग की संभावना हम देखते हैं तो नॉर्मल एक्स स्त्री का और नॉर्मल एक्स पुरुष का मिलकर के बनाते हैं एक्स एक्स। इसका मतलब जो बच्चा पैदा होगा वो लड़की होगी और कैसी होगी, सामान्य होगी। सेकंड कंडीशन में हम देखें तो पुरुष का नॉर्मल एक्स महिला के जो प्रभावी है उसमें एक्स एच से क्रॉस करता है तो लड़की कैसी होगी, वाहक होगी, लेकिन हीमोफिलिक नहीं होगी क्योंकि एक ये अप्रभावी हो जाता है यहाँ पर आकर। तीसरी कंडीशन हम देखें तो हम पाएंगे कि महिला का प्रभावी वाला जो हीमोफिलिक इफेक्टेड जो क्रोमोसोम है एक्स एच पुरुष के वाई से मेल करता है, तो यहाँ पर एक्स एक ही गुणसूत्र है और उस पर अगर ये एच हीमोफिलिक कैरेक्टर मौजूद है तो ये कैसा हो जाएगा, प्रभावी। तो जो लड़का उत्पन्न होगा वो कैसा होगा, हीमोफिलिक लड़का उत्पन्न होगा। सेकंड में हम देखें तो यदि महिला का नॉर्मल एक्स
पुरुष के वाय से मेल खाता है तो उत्पन्न संतान पुत्र होगी, लेकिन वो कैसा होगा? सामान्य होगा, क्योंकि इस पर कोई हीमोफिलिक कैरेक्टर मौजूद नहीं है। तो बच्चों ये एक पॉसिबिलिटी थी जो हमने आपको बताई। इसके अलावा दूसरी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, यहाँ पर वाहक पुरुष हीमोफिलिक पुरुष हो सकता है, साधारण स्त्री हो सकती है, यहाँ पर वाहक स्त्री का हीमोफिलिक पुरुष से भी कैरेक्टर, मतलब डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन है जो आपको बनाने रहेंगे। चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। हीमोफिलिक रोग जो होता है वो कैसे होता है? जनन कोशिका में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन के कारण। आपको पता है जो क्रोमोसोमल चेंज होते हैं उसमें म्यूटेशन भी क्या होता है? क्रोमोसोमल चेंज का कॉजेज है, और ये कई पीढ़ियों तक जब तक चलता रहता है जब तक कि सभी वाहक तथा वर्णांध जंतु मर ना जाए। यह दूसरे उत्परिवर्तन के द्वारा भी समाप्त हो सकता है, जब यह उत्परिवर्तन अप्रभावी जीन को पुनः नॉर्मल कर दे। मतलब पहले नॉर्मल कंडीशन आई, उसके बाद फिर म्यूटेशन हुआ, और ये तब तक रनिंग में हो जाएगा जब तक उस क्रोमोसोम में सेकेंड टाइम म्यूटेशन होकर के वो जो क्रोमोसोम है वो नॉर्मल ना हो जाए। हीमोफीलिया बीमारी आपको पता है, ये बीमारी इंग्लैंड की महारानी विक्टोरिया में उत्परिवर्तन के कारण पैदा हुई थी। इनको क्या हुआ था? एक हीमोफिलिक लड़का तथा दो वाहक लड़कियां पैदा हुई। अब क्या होता है, चूंकि शाही परिवार में शादी करेगा, तो इससे ये बीमारी जो थी वो यूरोप के कई शाही परिवारों में फैल गई। इसलिए इस बीमारी को क्या कहते हैं? शाही बीमारी, रॉयल डिजीज के नाम से भी जाना जाता है। वास्तव में हीमोफीलिया के जीन रक्त के थक्का बनने में सहायक पदार्थों के निर्माण को रोक देते हैं, जिसके कारण ये बीमारी होती है। बीमारी कुछ नहीं, ये क्या कर रहा है, वो जो सहायक पदार्थ जो रक्त के ब्लड क्लॉटिंग के लिए जरूरी है उसको, उसका परिवर्तन रोक देते हैं, निर्माण ही रोक देते हैं, तो आगे काम हो ही नहीं पाता। तो बच्चों ये थी लिंग सहलग्नता के अंतर्गत हीमोफीलिया रोग। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे।